अगली खबर में बात करते हैं रीवा के दशहरा उत्सव को लेकर। करीब 400 साल पहले रीवा में चल रहा समारोह एवं दशहरा मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत रीवा महाराज विक्रमादित्य के कार्यकाल में 1618 में की गई थी। तब से लेकर आज तक यह परंपरा कायम है। कोरोना काल में इस पर रोक लगाई गई थी। मैसूर के बाद रीवा ही वह राज्य था जहाँ गद्दी पूजन की परंपरा है, जिसे अभी जारी रखा गया है। रीवा में दशहरे का उत्सव मनाने की परंपरा राजघराने से शुरू हुई और 34 पुस्तों से यह चली आ रही है। दशहरे को भव्यता महाराज मार्तंड सिंह के कार्यकाल में मिली, जब किले में गद्दी पूजन के बाद महाराजा मार्तंड सिंह बग्घी के साथ चल समारोह में निकले थे, तो उनकी एक झलक पाने के लिए शहर में लोगों का भारी मजमा लगा था। दूर दूर गाँव से लोग एक दिन पहले ही दशहरा देखने शहर आ जाते थे, लेकिन महाराजा मार्तंड सिंह के बाद दशहरे के उत्सव का उत्साह कम हुआ है। हालांकि अभी भी उसी परंपरा अनुसार चल समारोह निकलता है और सैकड़ों झांकियां शामिल होती हैं, जिसका नेतृत्व राज परिवार ही करता आ रहा है। दशहरे के दिन रीवा राज में गद्दी पर राजाधिराज बैठते हैं और राजा सेवक होता है। गद्दी पूजन में भी राजाधिराज की ही पूजा होती है, जिसे राज परिवार के लोग संपन्न करते हैं। रीवा में 34 पुस्तों से यह परंपरा चली आ रही है। गद्दी पूजन देश में दो जगह ही होती है, मैसूर और उसके बाद रीवा में। यहाँ भगवान की पूजा तीन रूपों में, पहले विष्णु के रूप में, फिर श्री राम और सीता एवं तीसरी पूजा श्री राम लक्ष्मण सीता की होती है। आइए आपको दिखाते हैं गद्दी पूजा की कुछ झलकियाँ और आयोजित दशहरा उत्सव। आत्मा की बराबर कर रहा है। तासो यतमि करो भवन्ति मानो मध्यारी निदसा सुगन्तो अधिविद्यौ नदितिरन्तरिक्षमदिते माता सपिता सम्पदन्ते वंशस्वर्णं चतुर्भुजम् ये लगभग 350-350 वर्ष पुराना ये त्यौहार यहाँ पर इस प्रकार से मनाया जा रहा है। महाराज वेंकट रमन सिंह जी और उनके पहले ही से ये आरंभ हुआ, महाराज गुलाब सिंह जी और फिर हमारे अन्नदाता पिताजी, और इसको हम लोगों ने कोरोना काल के बावजूद भी इस बार पुनः जीवित किया है, बरकरार रखा है। और मैं सबको विजयादशमी की आत्मीय बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे ऊपर विश्वास रखकर सब लोग जो यहां पधारे हैं और जो नहीं भी पधारे हैं, जो इसको आपके माध्यम से देख रहे हैं देखेंगे, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।